नमस्कार, नीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस नाश्ते को मैं खीरा ककड़ी से बना रही हूँ। खीरा ककड़ी का चीला, इसको बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा बेसन लिया है और आधा कप करीब खीरा ककड़ी को अच्छी तरह धोकर छील कर ग्रेट करके लिया है। पानी लगेगा थोड़ा, 5-6 चम्मच तेल लिया है। जीरा है आधा चम्मच, आधा चम्मच से कम लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला है 1/4 चम्मच से कम, हींग है 1 पिंच, हरी मिर्ची 1 बारीक कटी हुई और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कुकुम्बर चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को घोल करके तैयार करेंगे। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे घोल लेंगे। बेसन को मैंने घोल करके तैयार कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब इसमें मैं जीरा डाल दूंगी, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, नमक, गरम मसाला, हरी मिर्ची और हरा धनिया। सब मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। सभी मसाले डाल करके इसे अच्छी तरह से घोल लिया है मैंने, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अभी खीरा ककड़ी डाल देती हूँ इसमें। इसको मैंने ग्रेट करके और हाथ से निचोड़ लिया था, इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया। घोल थोड़ा गाढ़ा हो गया है, मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। घोल बन करके तैयार है। अब मैं इसका चीला बनाऊंगी। इसके लिए मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो गया है, अब मैं इसको थोड़ा तेल डाल के फैला देती हूँ। को अच्छी तरह से तवे पर फैला लेने के बाद में मैं इस पर चीले का घोल डाल देती हूँ और इसे फैला देती हूँ। सीखने दूंगी। हल्का हल्का सीख गया है, मैं इसको चारों तरफ तेल डाल देती हूँ। सीखने दूंगी। चीला एक ओर से सीख करके तैयार हो गया है, मैंने इसे पलट दिया है। अब दूसरे ओर से भी सीखने देंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे। दूसरी ओर से भी सीख गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और दूसरा बना लेती हूँ।
चीला भी दोनों ओर से अच्छी तरह से करके तैयार हो गया। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। खीरे का चीला बन करके तैयार है, इसे मैंने सर्व कर लिया है। कुकुम्बर चीला खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, इसे आप अपनी मनपसंद चटनी, सॉस, अचार किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।